कोरोना के प्रकोप के बीच कई देशों में क्रिकेट से लेकर तमाम मैचों का आयोजन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच खेल जगत से लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी, आपको बता दें कि कई देशों में फुटबॉल मैचों का आयोजन अब शुरू होने जा रहा है। अब इसी लिस्ट में साउथ कोरिया का नाम भी जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया में फुटबॉल सत्र शुक्रवार। साउथ कोरिया ने फुटबॉल के मैच शुरू होने से पहले तमाम नियम भी बना दिए हैं। खाली स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों के दौरान महामारी के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गोल का जश्न मनाने, हाथ मिलाने और यहां तक कि बात करने को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान और ताइवान जैसे देशों ने कोरोना के कारण फुटबॉल मुकाबले नहीं रोके थे, लेकिन दक्षिण कोरिया फुटबॉल खेलने वाला पहला बड़ा देश है जो कोरोना के विलंब के बाद लीग शुरू कर रहा है। दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल था जिनमें चीन के बाहर शुरुआत में कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप दिखा था, जिसके बाद पेशेवर खेलों ने अपने सत्र निलंबित कर स्थगित कर दिए थे और फिर बाद में दुनिया भर के देशों ने यही कदम उठाए थे। मंगलवार को खाली स्टेडियम में बेसबॉल की वापसी के बाद अब फुटबॉल की वापसी होगी। क्रिकेट एशिया की पहली बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें मुकाबले खेले जाएंगे। बुंडेसलीगा क्लबों में 10 पॉजिटिव मामलों में 2 बोरुसिया मोशेंग्लाबाग से सामने आए थे, जिसमें 1 खिलाड़ी और 1 फिजियो शामिल थे। बड़ी बात यह है कि अगर ये लीग सक्सेसफुल होती है तो फिर भारत में भी और कई देशों में क्रिकेट की शुरुआत भी हो सकती है। फिलहाल सभी देश कोरोना के प्रकोप के कारण डरे हुए हैं, लेकिन कुछ देशों ने साफ कह दिया है कि वो कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं और इस बीच वो अब खेलों के प्रसारण को शुरू करेंगे और खेलों का सीधा प्रसारण अब यूट्यूब और ट्विटर पर किया जाएगा। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।